জগদ্দল থানার ঢিলছড়া দূরত্বে মুড়ি মুড়কির মতন বোমাবাজি, ভাঙচুর বহু বাড়িতে। জগদ্দল থানার ঢিলছড়া দূরত্বে পালাঘাট রোডের পুরানি বাজার এলাকায় শুক্রবার রাতে মুড়ি মুড়কির মতন বোমাবাজি হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই দিন গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী আচমকা হানা দেয় মুন্না সাউয়ের হোটেল কাম বাড়িতে, তারপর ভাঙচুর চালায় সেখানে, এরপর মমতা ট্রাভেলস কাম বাড়িতে বোমাবাজি করে। হিরণ সাউ নামে এক ব্যক্তি টোটো ভাঙচুর করে। অভিযোগ, বাকর মহল্লা ছাইমাঠ মুখে 25 থেকে 30 জন দুষ্কৃতী হানা দিয়ে কমপক্ষে 12 থেকে 15টি বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। जितना बोमाबाजी किया गया है, गोली चला है, पुलिस को भी गोली चलाना पड़ा। आप यहाँ के एमएलए हैं, अब क्या बोलना चाहेंगे, इसको खत्म कहाँ से हुआ है ये? दादा, मैंने अभी नहीं, अभी इलेक्शन खत्म होने के बाद 2 तारीख से मैं बार बार कंप्लेन कर रहा हूँ, सीपी साहब को भी कंप्लेन दे रहा हूँ, बार बार अपने तरफ से मेल भेज रहा हूँ कि आप लोग इसको रोकिए, मतलब एकदम न्यूट्रल होकर फेयर तरीके से इसको रोकिए। क्योंकि अभी क्या हो गया, जो एंटी सोशल वाले लोग हैं वो लोग ज़्यादा ही सक्रिय हो गए हैं, वो लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि उधर खुलेआम जाकर दुकान वाले को धमकाना, दुकान लूटना या घर तोड़फोड़ करना, घर लूटना, तो ये आम हो गया। और उनके लिए तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर करता है कैसे, मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम यही है, लूटपाट करना। तो पॉलिटिक्स के अंदर आके ही सब, बस वो सिर्फ वो पार्टी अगर कर भी रहे हैं, टीएमसी पार्टी, तो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना गतिविधि को बढ़ा सकें, और इसमें वो इसीलिए टीएमसी पार्टी से जुड़ गए हैं और ये अपना गतिविधि को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। और जबकि वो हमें ही बोला, इसको अगर नहीं रोका गया ना तो कल जाके ऐसा हाल हो जाएगा कि पुलिस प्रशासन भी फिर कुछ नहीं कर पाएगी। और ये रोज़ रोज़ जो घटना हो रहा है, इससे आम जनता में गुस्सा बढ़ते जा रहा है, और आम जनता जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और जब प्रतिवाद करने लगेगी, उस वक्त कोई एमएलए का भी नहीं सुनेगा, कोई एमपी का भी नहीं सुनेगा, किसी का भी नहीं सुनेगा, ना पुलिस प्रशासन, ना सेंट्रल फोर्स, किसी का भी नहीं सुनेगा वो लोग। क्योंकि रोज़ दिन जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया, आदमी काम करने की कोशिश कर, आप समझ रहे हैं कोरोना का समय है, लॉकडाउन हुआ है, ऐसे ही लोगों का धंधा पानी बंद है, और ऐसे समय में जब ये सब चीज़ें रोज़ दिन घटनाएँ होंगी तो आप सोच रहे हैं कि लोगों का साइकोलॉजिकली क्या होगा असर इस चीज़ पर। तो जब ऐसा घटना रोज़ दिन होते रहेगी और इसको नहीं रोका गया प्रशासन के तरफ से, या सीपी साहब, कमिश्नर और पुलिस जो हैं यहाँ के, मनोज वर्मा जी, या यहाँ के जो आईसी साहब है भाटपड़े या जगदल के, इन लोगों के तरफ से अगर नहीं इस चीज़ को रोका गया, और ये जो एंटी सोशल वाले लोग हैं जिनको हर तरह से सपोर्ट मिला है, इनको नहीं रोका गया, तो चीज़ें बहुत ख़राब होगी आने वाले समय में। आप लोगों का पॉलिटिकल स्टैंड क्या है इसके ऊपर, जो आप लोग दिल्ली में सेंट्रल में जाना है, ये जो ऐसे चल रहा है? देखिए, हम लोग अपनी तरफ से कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि जो डर के मारे कंप्लेन भी नहीं। अब कल की घटना हुई है, लेकिन इसके बारे में अभी तक हम लोग के पास कंप्लेन नहीं आया, कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, और ये जब तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आएगा हम लोग आगे मूव भी नहीं कर सकते। अगर मैं अपने कंप्लेन को आगे मूव भी करता हूँ तो मुझे पहले पूरी नॉलेज चाहिए उधर की, कि क्या क्या हुआ है। बहुत लोग डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, बहुत लोग कंप्लेन करना नहीं चाहते हैं। पुलिस सुबह मोटा केस करके 10 आदमी को गिरफ्तार, बस ऐसे ही हुआ है। लेकिन यहाँ जो आम जनता है, जो वहाँ के सिचुएशन को देखी है, उसमें से एक भी जनता आके नहीं ये बताया, या चलिए फ़ोन के माध्यम से आ भी नहीं सकता है, डरता है तो अलग बात है, फ़ोन के माध्यम से मुझे इन्फॉर्मेशन दे दे और मैं अपने तरफ से एक लेटर या एक कंप्लेन कर सकूं ऊपर में, वो भी नहीं हो पा रहा। डरे हुए हैं सब, इतना डरे हुए हैं लोग। तो अगर ऐसे ही डरे रहेंगे तो हम लोग सेंट्रल फोर्स को या सेंट्रल प्रशासन को भी कैसे बताएंगे? और जब तक नहीं बताएंगे, आप बताइए, पूरे पश्चिम बंगाल में इतने लोगों के घर लूटे गए, इतने लोग घर से बाहर हैं आज भी, लेकिन हार्डली कंप्लेन हुआ होगा तो बहुत कम, मतलब मुझे नहीं लगता है 2-3% से भी ज़्यादा कंप्लेन हुआ होगा, उससे भी कम हुआ। मीडिया में भी नहीं आता है, मीडिया में भी नहीं आता है, क्योंकि मीडिया को भी किसी तरह से डराया जाता है, धमकाया जाता है, या मीडिया जाती भी नहीं है डर के मारे, क्योंकि जिस तरह का परिस्थिति है वहाँ के रहने वाले आम जनता, जब वहाँ नहीं रह पा रहे हैं तो मीडिया कैसे जाएगी? तो इस तरह का परिस्थिति बन रहा है, और ऐसा अगर होगा तो मुझे नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल वही हम लोग जो शुरू से देखते आ रहे हैं, बचपन से जिस तरह से हम लोग यहाँ का माहौल देखते थे, जिस तरह की माहौल थी यहाँ, वो डे बाय डे इतनी ख़राब होती जा रही है आज के समय में। उस समय तो फ़ोन भी नहीं था, आज के समय में तो सभी के पास फ़ोन है, आज के समय में हम बोलते तो हैं डिजिटल हो गए, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से डिजिटल हो गए, बाय माइंड से हम डिजिटल नहीं हुए। आज भी हम मतलब डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम दिन पे दिन हमारी इतनी ख़राब परिस्थिति हो गई है कि मतलब आज के समय में आप बोल भी नहीं सकते हैं, अपनी बातों को रखने का भी आपको हक नहीं है। पूरा अटैक किए, पूरा इधर से लेकर तोड़ना स्टार्ट किए, तोड़ दिए, तोड़ फोड़ किए, मतलब जब यहाँ के लोगों ने उनको रोका गया
कि नहीं ऐसा मत कीजिए, तो मतलब 50 से 60 बम चलाए हैं। पुलिस प्रशासन भी आया हुआ, बुलाया गया, आए हैं उन पर भी, कमिश्नर आए थे कि गाँव को देखे नहीं, वो भी उन पर भी बम चला। तो हम लोग सिर्फ शांति चाहते हैं इस गली, ये जो हम लोग का कॉलोनी है, इस गली में कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ भी हुआ लेकिन इस कॉलोनी में कभी नहीं हुआ। कल पहली बार इतना बड़ा घटना हो गया, हम लोग सिर्फ शांति चाहते हैं। सभी रात भर तो कोई सोया नहीं है, बताइए हम लोग अब क्या करें, जरा बच्चे लेकर कहाँ गए। मेरा नाम रिंकी साहब। लाठी डंडा रोड लेकर के चलाया, इसका बाद हमका इंजोर्ड के यहाँ टूटा, इसका बाद यहाँ धोबी का यहाँ बम चला। ये केला बगन पार्टी का आदमी है। कौन पार्टी? सिल्टू पार्टी का है। सिल्टू पार्टी का है। सिल्टू? हाँ अच्छा। सिल्टू का है। इसका बाद यहाँ रामबाबू कल्ला जो हुआ बम चलाया बम चला कर करके एक बाद रात में गया, हम आया बोले खातिर कहाँ ही लाठी डंडा, थाना में गया ऑफिसर के बोला कि चलिए ऐसा ऐसा बात है, इंक्वायरी करिए। बोलता है कि डायरी के अच्छे, हमको रात में हमको नहीं कि अब नाम होता ना तो बहुत लड़का है, हम बोले नहीं सका। केला बगान लाइन का रात में सुबह में पता लगा कि केला बगान लाइन से ही है, केला बगान लाइन हम लोग यही क्या करते हैं है? आप क्या करते हैं? हम सर्विस करते, अभी जॉब खत्म। खत्म? हाँ। पार्टी उटी करता है आप? ना पार्टी उटी नहीं करता। आपका नाम क्या है? राजेश साहब। उत्तर 24 परगना থেকে বিশ্বজিৎ অধিকারীর রিপোর্ট, টাইমস বাংলা।